मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि गुरु का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है, गु और रू। गुरु, गु माने अंधेरा, रू माने रोशनी। हाँ जी। गुरु का अर्थ ये है कि जो अंधेरे में रोशनी देवे। हाँ जी। हर अंधकार को मिटाए। हमारे जन्म जन्म के कितने अंधकार हैं, और वैसे हम जन्म सिद्ध अंधे ही हैं, ये तो मैं बाहर से दिखता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हर इंसान स्वार्थी होता है, और जो स्वार्थी होता है वो सूरदास होता है, और जो सूरदास होता है वो कंफ्यूज होता है, और जो कंफ्यूज होता है वो टेंशन में रहता है, और जो टेंशन में रहता है वो डिप्रेशन में आता है। तो इन सब चीजों से मुक्त कराने वाला गुरु होता है, जो जीवन में रोशनी दे करके और उसे सब कुछ दिखा देता है, उसे दिव्य दृष्टि आ जाती है। वैसे इंसान भगवान पैदा करता है या कुदरत पैदा करती है, जिसको आप मानते हो उसको मानिए, पर ये इंसान भी तो जानवर के समान ही है। सिर्फ इसमें ये फर्क है कि इसको पूंछ नहीं है, बाकी सब जानवरों को पूंछ होती है, और इसको पूंछ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये पूछ सकता है, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो। अगर आप नहीं पूछ सकते तो आपको भी पूछ होती। पर धन्य है वो गुरु जो इस जानवर जैसे प्राणी को ज्ञान और रोशनी देकर के उसे जानवर से इंसान बनाता है। फिर इतना ही नहीं मेरे प्यारे, इस इंसान को भगवान का रूप देकर के उसकी पूजा करा के खुश होता है। तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन क्या, जन्म जन्म व्यर्थ है। जैसे बिन माँ बाप बच्चा अनाथ होता है, उसी तरह बिना गुरु के परिवार ही अनाथ आवारा होता है, क्योंकि ये सब ज्ञान, ये दृष्टि, ये बोध, सही गलत, धर्म कर्म, इन सब की परिभाषा गुरु चरणों से ही प्राप्त हो सकती है, बाकी तीनों लोक में कहीं नहीं प्राप्त हो सकती है। एक बात और बता दूं, भगवान ने, मालिक ने तो पैदा कर दिया पशु समान, धन्य है गुरु कि वो उसको ऐसा बना देता है। इसका मतलब गुरु उससे ज्यादा महान है कि जो इस रॉ मटेरियल को, इस रॉ मटेरियल को ऐसा प्रोडक्ट बना देता है कि सबके मन को भाता है, और उसका जीवन क्या, जन्म जन्म सफल हो जाते हैं।